इंस्टाग्राम पर कुछ इस तरीके से साड़ी लिखकर अपनी फ़ोटो पर साड़ी लिखकर रील कैसे बनाते हैं, इस तरह की जो वीडियो रहती है वो कैसे हम बना सकते हैं, जो कि अपनी फ़ोटो पर यहाँ पर साड़ी लिखी रहती है और यहाँ पर देखिए कुछ म्यूजिक वगैरह इसमें चलता रहता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फ़ोटो पर साड़ी लिख कैसे सकते हैं, कैसे ये लिखती है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके से साड़ी लिखकर यहाँ पर फ़ोटो पर साड़ी लिखकर आप लोग यहाँ पर रील अपलोड कैसे कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इस तरीके की साड़ी कहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ पूरी कम्प्लीट, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। यदि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप लोग यहाँ पर अपनी फोटो पर शायरी नहीं लिख पाओगे और आप लोग यहाँ पर सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिए और यदि चैनल पर नए आओ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको बता दें इस तरीके से शायरी कैसे लिखते हैं। तो आपको इस शायरी लिखने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, जिसका नाम है पिक्सल। पिक्सल लैब यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम हो जाता है, आप लोग सर्च करोगे बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देखते चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको आप लोग जैसे ही ओपन करोगे तो आपके पास में देखिए इस तरीके का एप्लीकेशन जो रहेगा वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर इमेज साइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। एंड इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर अपना रेशियो सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर साइज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर फुल साइज लेने के लिए आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1280 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 850 आपको यहाँ पर कर देना है और ओके कर देना है, जिससे कि ये साइज बढ़ जाएगा, ये फुल साइज में आ जाएगा। अब इसको टेक्स्ट को आपको यहाँ से यहाँ पर डिलीट कर देना है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। यहाँ पर तो फोटो को ऐड करने के लिए आपको ऊपर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा आपको, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जिस पर भी आपको शायरी लिखना है। तो अपनी फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फुल साइज में आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ले लेना है। एंड इसकी साइज को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको साइज को बढ़ा लेना है, फुल साइज में कर लेना है, यहाँ पर फुल साइज में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर लेना है अपनी फ़ोटो को। अब आपको यहाँ पर एक ब्लैक शैडो PNG की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ब्लैक शैडो PNG आप लोग गूगल पर जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे इमेज मिल जाएंगे आपको ब्लैक शैडो PNG, तो उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर वापस से प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाले सेक्शन में जाना है एंड आपको वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको वो ब्लैक शैडो PNG उसको ऐड करना है, यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिएगा और यहाँ से इसकी साइज़ को आपको यहाँ पर अपने इसकी साइज़ को अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर देखिए अब आपका काम हो गया, अब आपको इसमें शायरी लिखनी है। शायरी लिखने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें अपनी शायरी यहाँ पर लिखना है, आपको इसमें यहाँ पर अपनी शायरी लिखनी है, जो भी आप लोग शायरी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। एंड उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इसके साइज़ को, जितना भी आपको करना है उस हिसाब से आप लोग अपनी शायरी को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी साइज़ को यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं शायरी के हिसाब से, जितनी लंबी या जितनी बड़ी आपकी शायरी होगी उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको इसमें कलर, यदि आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का, तो यहाँ पर आइएगा एंड कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जिस भी लाइन में आपको कलर चेंज करना है उस लाइन पर यहाँ पर क्लिक करना है
एंड उसका कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर आप लोग आप अपने हिसाब से, जो भी यहाँ पर बहुत सारे कलर दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर यदि आपको फ्रंट चाहिए तो फ्रंट भी है इसमें, स्टाइलिश फ्रंट है, आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं। और जो भी फ्रंट आपको चाहिए, फ्रंट आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सके रख सकते हैं, वो सारी आप लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी सारी लिख जाएगी एंड इस तरीके से आपकी यहाँ पर फोटो बन जाएगी, सारी लिख जाएगी। और इसको आपको यहाँ पर इसको सेव करने के लिए ऊपर थ्री डॉट लाइन दिखाने होंगी आपको, ऊपर ये थ्री लाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगी, इन पर क्लिक करना है। एंड पर एक्सपोर्ट इमेज करोगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी ये जो फोटो रहेगी वो आपकी गैलरी में चली जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फोटो पर सारी लिख सकते हैं। आप लोग का कोई भी कॉमेंट है तो नीचे कॉमेंट कीजिए। क्योंकि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।